और अब देखेंगे जल्दी जल्दी खबरें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनको 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा। कोर्ट ने कहा उनको बंगला दिए जाने का कोई अधिकार नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, कल्याण सिंह और राम नरेश यादव को बंगले मिले हुए थे। अब उनको आजीवन मिले बंगले खाली करने होंगे। ये सभी बंगले लखनऊ में हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक सरकारी आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले दिए जाएंगे। 2004 में लोक प्रहरी नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि ये आदेश रद्द किए जाए और अगर इसे जारी रखा गया तो बाकी राज्यों में भी इसका असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था और अब अपना आदेश सुनाया है। 3 दिन पहले दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर डीएमके सांसद को थप्पड़ जड़ने वाली राज्यसभा सांसद शशिकला पुष्पक को जयललिता ने एआईएडीएमके से बाहर कर दिया। पार्टी महासचिव जयललिता ने कहा कि शशिकला को एआईएडीएमके की छवि खराब करने के चलते पार्टी से निकाला गया। शशिकला पुष्पा पर आरोप है कि उन्होंने शुक्रवार को डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा को सरेआम चार थप्पड़ मार दिए थे। बताया जा रहा है कि डीएमके सांसद ने तमिलनाडु की सीएम जयललिता के खिलाफ कुछ कमेंट किया था जिसके बाद शशिकला ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। सोमवार को शशिकला ने ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया। उन्होंने कहा, मेरी जान को खतरा है, मुझे संवैधानिक पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। राज्यसभा में सोमवार को सऊदी अरब में भूख प्यास से बेहाल भारतीय कामगारों का मुद्दा भी उठाया गया। इस पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारतीयों को लाने के लिए कल वीके सिंह सऊदी अरब जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीयों को लेकर नियमों में ढील देने के लिए सऊदी अरब के विदेश और श्रम मंत्रालय से भी बात की गई है। उन्होंने बताया कि वहां भारतीयों को खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे पहले राज्यसभा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के आमिर खान पर दिए गए बयान को लेकर हंगामा हुआ। पर्रिकर ने कहा कि सदन के सदस्यों को पहले वीडियो देखना चाहिए और उसके बाद वे इसे कुछ तय करें। कांग्रेसी सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पर्रिकर का बयान देश के अल्पसंख्यकों के लिए धमकी से कम नहीं है। मायावती ने इस मामले पर सदन में पीएम मोदी के बयान की अपील की। बार बार परमाणु अप्रसार संधि की दुहाई देने वाले चीन ने खुद ही इसका उल्लंघन किया है। चीन ने 2010 में एनपीटी रिव्यू कॉन्फ्रेंस में रखे प्रस्ताव का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान को न्यूक्लियर रिएक्टर्स उपलब्ध कराए हैं। एक ताजा रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि चीन ने एनपीटी का उल्लंघन किया है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मानकों के तहत नहीं आता, इसलिए उसे परमाणु रिएक्टर्स देना एनपीटी के नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन है। ये याद रखना जरूरी है कि चीन ने एनटीपी का हवाला देकर ही एनएसजी में शामिल होने का भारत का रास्ता रोका था। चीन ने कहा, गैर एनपीटी देश को एनएसजी में शामिल करने से परमाणु अप्रसार के प्रयासों को धक्का पहुंचेगा। बुलंदशहर में मां बेटी के साथ हुई गैंगरेप और लूट की घटना पर प्रशासन ने कड़ा फैसला करते हुए बुलंदशहर के एसएसपी सहित 7 अफसरों को निलंबित कर दिया है। प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा के अनुसार ये फैसला डीजीपी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। बुलंदशहर के एसएसपी वैभव कृष्ण, एसपीसीटी, सीओसीटी सहित 2 थानों के एसओ समेत कुल 7 को निलंबित किया गया है। गौरतलब है कि घटना के बाद बनते राजनीतिक दबाव के बीच सीएम अखिलेश यादव ने खुद मामले का संज्ञान लिया था और कार्रवाई के लिए 24 घंटे का वक्त दिया था। वहीं रेप पीड़िता नाबालिग लड़की के पिता ने कहा कि अगर दोषियों को 3 महीने के अंदर सजा नहीं दिलाई गई तो उनका पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विदेशियों के लिए बने गेस्ट हाउस पर विस्फोटकों से भरे ट्रक से हमला किया गया। इस हमले में किसी नागरिक या विदेशी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन स्थानीय मीडिया के मुताबिक 2 फिदायीन हमलावरों को मार गिराया गया है। इस हमले से कुछ दिन पहले अफगान राजधानी में बीते 15 साल का सबसे घातक हमला हुआ था। सुबह हुए विस्फोट की आवाज पूरे शहर में सुनी थी। एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताया, विस्फोटकों से भरे एक ट्रक ने नॉर्थ गेट हाउस के प्रवेश द्वार पर हमला किया गया। नॉर्थ गेट उत्तर काबुल में अमेरिका द्वारा संचालित बकराम एयरबेस के पास स्थित है और यहां विदेशी कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं। तालिबान ने कहा कि अमेरिकी घुसपैठियों के गेस्ट हाउस पर ट्रक बम हमले के जरिए उसके लड़ाकों को रॉकेट चालित ग्रेनेड और
छोटे हथियार लेकर इस प्रतिष्ठान में घुसने का मौका मिल गया। इस्लाम की मनमानी व्याख्या करने वाले जाकिर नायक के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी गतिविधियों के आरोपी 55 लोगों की लिस्ट बनाई है। पिछले एक दशक में देश भर में गिरफ्तार किए गए इन लोगों ने जाकिर नायक के भाषणों से प्रेरित होने की बात कबूल की है। गौरतलब है कि जुलाई महीने में ढाका कैफे में हुए आतंकी हमले में शामिल एक आतंकी के जाकिर से प्रेरित होने की बात सामने आई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों को जाकिर नायक की कुंडली खंगालने को कहा था ताकि नायक के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सके। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सार्क सम्मेलन में शामिल होने के लिए पाकिस्तान न आने दिया जाए। राजनाथ को सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 3 अगस्त को पाकिस्तान जाना है। जमात ए इस्लामी ने हाल ही में कश्मीर मुद्दे पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार कश्मीरियों के आज़ादी के संघर्ष को आतंकवाद का नाम देकर संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का इस मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। हाफिज सईद ने अपनी सरकार और कारोबारियों को सलाह दी कि भारत के साथ सभी कारोबारी गतिविधियों को कश्मीर के आज़ाद होने तक बंद रखा जाना चाहिए। साथ ही पाक PM नवाज शरीफ से अपील की है कि राजनाथ सिंह को मुल्क में न आने दिया जाए। सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कटौती की है। जहां पेट्रोल की कीमत में 1.42 रुपए की कटौती की गई है, वहीं डीजल 2.01 रुपए सस्ता हुआ है। ये कीमतें आधी रात से लागू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार गिरते कच्चे तेल के दामों के वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई है। गौरतलब है कि तेल कंपनियां और सरकार महीने में 2 बार तेल की कीमतों की समीक्षा करती है और इसके बाद इनके मूल्य का निर्धारण करती है। 9000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी के आरोपी विजय माल्या की 700 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अगले माह नीलाम की जाएगी। इसमें दिवालिया हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के सोफे से लेकर माल्या का निजी विमान तक शामिल है। एयरपोर्ट के पास स्थित एयरलाइंस के मुख्यालय किंगफिशर हाउस के फर्नीचर कार महंगे सोफे यहां तक कि एक बाथरोब की भी नीलामी की जाएगी। इसके अलावा गोवा में स्थित किंगफिशर विला अन्य ब्रांड और ट्रेडमार्क की भी नीलामी होगी। गोवा के विला में अक्सर माल्या की पार्टी आयोजित होती थी। कर प्रशासन और बैंकों की ओर से माल्या की संपत्ति नीलाम करने की ये दूसरी कोशिश है। इससे पहले इन सामानों की नीलामी में उचित बोली नहीं लगी थी। मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले जयशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह के बयान के बाद लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने BSP नेताओं के खिलाफ पॉस्को एक्ट लगा दिया है। बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे में पॉस्को एक्ट की धारा 11A की बढ़ोतरी की गई है। बसपा द्वारा लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान BJP के पूर्व उपाध्यक्ष जयशंकर सिंह की पत्नी और बेटी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में रविवार को पुलिस ने स्वाति सिंह और जयशंकर की मां तेतर देवी का बयान दर्ज किया। स्वाति सिंह ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं स्वाति ने पति जयशंकर सिंह की गिरफ्तारी के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वो अपने पति की लड़ाई नहीं बल्कि अपनी लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसमें 25 से 40 उम्मीदवारों को जगह दी जाने की तैयारी है। उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी फैसला पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति को लेना है। सूत्रों के मुताबिक रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर PAC की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उम्मीदवारों के चयन के लिए बकायदा स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। हाल ही में आम आदमी पार्टी की पंजाब टीम ने लगभग 40 उम्मीदवारों की एक लिस्ट PAC को भेजी थी। उम्मीदवारों के चयन में हर सीट पर 4 से 5 नामों को शामिल किया गया है, जिसमें पार्टी की ओर से इन सभी नामों की सघन छानबीन की गई है। वरिष्ठ वकील और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे शांति भूषण ने दिल्ली के CM केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका दिमाग खराब हो गया है। वे दिन रात नरेंद्र मोदी को गाली देते रहते हैं। हाल ही में केजरीवाल द्वारा PM मोदी को लेकर दिए गए बयान पर शांति भूषण ने कहा कि केजरीवाल का मोदी पर हत्या कराने वाला बयान मनीष सिसोदिया का आइडिया था। केजरीवाल के पूर्व साथी ने कहा कि वे केजरीवाल को ठीक से नहीं पहचान पाए। उसने आम आदमी पार्टी को सिंगल मैन पार्टी बना दिया है। केजरीवाल के पास मोदी को गाली देने का ही काम रह गया है।
उत्तराखंड के 6 जिलों में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देहरादून सहित प्रदेश में कई हिस्सों में रविवार को अच्छी बारिश हुई। राजधानी के आधे हिस्से में दिन में करीब 10 मिमी बारिश के बाद शाम को पूरे शहर में बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार में सोमवार की सुबह से आगामी 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर बारिश से बचाव के लिए अपील की गई है। प्रदेश सरकार को भी आगाह किया गया है। राजधानी में बादल छाए रहेंगे, कई जगहों पर बारिश होगी। लोकेश राहुल के करियर के तीसरे शतक की बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम ने शबीना पार्क मैदान पर वेस्टइंडीज के साथ जारी 4 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिन रविवार का खेल खत्म होने तक अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 358 रन बना लिए हैं। भारत को पहली पारी के आधार पर 162 रनों की बढ़त मिली है। उसने मेजबान टीम की पहली पारी 196 रनों पर समेट दी थी। दिन का खेल खत्म होने तक उपकप्तान अजिंक्य रहाणे 42 और रिद्धिमान साहा 17 रन बनाकर नाबाद लौटे। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 31 रनों की साझेदारी हो चुकी है। भारत ने 125 ओवरों का सामना किया है। भारत ने पहले दिन स्टंप्स तक 1 विकेट के नुकसान पर 126 रन बनाए थे। दिन का खेल खत्म होने तक राहुल 75 और चेतेश्वर पुजारा 18 रनों पर नाबाद लौटे। स्पेन की सेमी हाई स्पीड टेल्को ट्रेन का आज नई दिल्ली और मुंबई सेंट्रल के बीच पहला ट्रायल शुरू हो गया है। टेल्को ट्रेन आज शाम 7:55 पर नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल के लिए रवाना की जाएगी। ट्रायल के दौरान इस ट्रेन पर RDSO के इंजीनियर, रेलवे के अधिकारी और स्पेन से आए इंजीनियर्स की टीम रहेगी। नई दिल्ली से चलकर पलवल, मथुरा, कोटा, रतलाम, सूरत होते हुए स्पेनिश डिब्बों की ये ट्रेन 2 अगस्त को सुबह 10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएगी। नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बीच टेल्को ट्रेन का पहला ट्रायल रन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड से होगा। वही 3 अगस्त को मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली के बीच का दूसरा ट्रायल रन भी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही होगा। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से, तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।